अस्सलाम वालेकुम। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और बेल आइकन पे, ताकि आपको सारे लेक्चर और नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनरा FSC Part 1 बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया ये हमने पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो ये, कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है और कहाँ पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इन होम, इंडस्ट्री एज वेल एज इन मेडिकल फील्ड्स। घरों में बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इंडस्ट्री में क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ों को स्पॉइल कर सकता है, घरों में पड़ी हुई सब्जी दूध को ख़राब कर सकता है, एंड मेडिकल फील्ड्स हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस। अगर हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, तो हम डिजीजेस को प्रिवेंट करने में और उनका इलाज करने में हमारी मदद हो सकती है। स्पॉइलेज ऑफ फूड घरों के अंदर एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट्स कैन बी इनहिबिटेड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अच्छा, अब इसमें हम यूज क्या क्या करेंगे, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है इसको कंट्रोल करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, दे कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मैथड्स। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल मैथड, जिसमें हम फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल बैक्टीरिया। इन दिस स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन, ये चंद चीज़ें हैं जो फिजिकल मेथड के अंदर आती हैं। स्टीम, ड्राई हीट, ड्राई हीट से मतलब जस्ट यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। स्टीरलाइजेशन, ये बेसिकली फिजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके जो बैक्टीरिया को किल करने का जो मेथड है उसको हम स्टीरलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया इज नोन एज स्टीरलाइजेशन प्रोसेस। स्टीरलाइजेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। देखिए, अगर आप एक जगह पे अचानक से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ा देते हैं, तो वहां पे जो भी चीज होगी वो तो सारी की सारी किल हो जाएगी। तो फिजिकल मेथड जो है, दिस इज किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। इसमें हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर करेगा क्या, दिस इज यूजली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। उसके बाद एक तो ये ड्राई हीट है, उसके बाद ये ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, बोथ ऑफ दीज दे कैन ऑल्सो बी यूज। मॉइस्ट हीट क्या करती है, दिस कॉजेज क्वैगुलेशन ऑफ प्रोटीन, क्वैगुलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन क्वैगुलेट कर जाएंगे and this will kill the microbes. And dry heat, this will cause oxidation of chemical constituents and microbes and kill them. Oxidation कर देगी उनकी। Electromagnetic radiations, certain electromagnetic radiation below 300 nanometer are effective in killing of microbes. इसमें UV radiations आ जाती हैं, X-rays आ जाती हैं, gamma rays आ जाती हैं, generally used for sterilization process. मेम्ब्रेन फिल्टर, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इंडस्ट्रियल उसके अंदर एंजाइम्स बनाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं, अब वो हीट सेंसिटिव होते हैं, अगर हम ना उनको हाई हीट मतलब टेम्परेचर पे दे सकते हैं, ना उनको रेडिएशन दे सकते हैं, फिर उनको हम कैसे करेंगे, उनको हम फिर फिल्ट्रेशन के जरिए जो है वो क्लियर करेंगे। हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स, सीराज, हार्मोन्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। अच्छा, ये था फिजिकल मेथड, उसके बाद है केमिकल मेथड्स। वन कैन यूज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। तीन चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए जो कि केमिकल मेथड में आती हैं। सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स हैं, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, यहाँ पे चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, यानी कि हम इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यूज के ऊपर करेंगे, पीने के इस्तेमाल में नहीं आ सकती, खाने में नहीं आ सकती है। टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, आप पायोडीन का इस्तेमाल करते हैं, सिप्रेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उसको डिसइंफेक्टेंट्स हैं,
The important chemical agents used for disinfection are oxidizing and reducing agents. ये different होते हैं जो हम non living materials के ऊपर हम इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं. ये oxidizing and reducing agents हैं. For example, halogens, phenols, hydrogen peroxide, potassium permanganate, alcohol, formaldehyde. ये क्या करती हैं? Inhibit the growth of vegetative cell and are used on non-living material. Non-living material घरों के अंदर फर्श वगैरह को इस्तेमाल करने के, सिंक्स को साफ करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं. कीमोथेरापेटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, ये दे वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब. दीज आर सल्फोनामाइड, टेट्रोसाइक्लिन, पेनिसिलिन एट्सेट्रा. ये जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज के अंदर, दे आर ऑल कम अंडर द हेडिंग ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स. दे डिस्ट्रॉय एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इन लिविंग टिश्यू. अब ये हम लिविंग टिश्यूज के अंदर इस्तेमाल करते हैं टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स. यहाँ पे ये दो चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, दो इफेक्ट्स हैं इन एंटीबायोटिक्स के. एक है माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट्स दैट किल्स द माइक्रोब इमीडिएटली. अब जैसे खाएंगे माइक्रोब सारे के सारे किल हो जाएंगे. दूसरा है माइक्रोबिस्टेटिक, दिस विल इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ सेल एंड मेंटेन माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कॉन्स्टेंट प्राइस. यानी कि स्टेशनरी फेज पे ये इफेक्ट रोक देगा. अब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट की तरफ जाती है, कुछ ऐसी है जो माइक्रोबिस्टेटिक इफेक्ट की तरफ जो है वो जाती है. और इनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है. डिफरेंट कीमोथेरापेटिक एजेंट्स जो हैं उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट है. मतलब सम डैमेज कैन रिजल्ट इन मैनुफैक्चर ऑफ सेल वॉल. कुछ जो है उसकी सेल वॉल को डैमेज करते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन को, कुछ उसके एंजाइम्स को, और कुछ जो है वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि उसके डीएनए को. अब ये डिपेंड करता है उसके मोड ऑफ एक्शन के ऊपर कि वो किस किस चीज़ के ऊपर जो उसने अफेक्ट करना है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द बैक्टीरिया. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. नेक्स्ट इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया.